गाइज, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अपनी वीडियो क्वालिटी को एनहेंस करना चाहते हो, साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनल लेवल के शार्प और क्रिस्पी व्लॉग शूट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना नया व्लॉगिंग सेटअप। इसमें हम देखेंगे कि किन किन इक्विपमेंट्स की मदद से हम ये सब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये हैं वो सारे इक्विपमेंट्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं इनकी कुछ स्पेशलिटीज़ के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको ये रीज़न भी बताऊंगा कि मैंने पर्सनली यही इक्विपमेंट्स क्यों परचेज किए। तो चलिए देखते हैं गाइज। किसी भी व्लॉगिंग सेटअप की जान होता है हमारा कैमरा, क्योंकि कैमरे पर ही हमारी वीडियो की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो चलिए सबसे पहले कैमरे की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास सोनी का अल्फा 7 Mark IV कैमरा किट लेंस के साथ। ये सोनी का एक हाइब्रिड कैमरा है जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों के लिए ही सूटेबल है। ये एक 33 MP का फुल फ्रेम कैमरा है जिससे हम 4K 60p तक 10-bit 422 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि मैंने ये कैमरा परचेज किया है। तो चलिए अब करके देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। गाइस, बाहर से ये बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर है इसके सोनी की ब्रांडिंग और साइड में है अल्फा सीरीज का साइन। तो चलिए अब इसका सील ब्रेक करके देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे 100 euros का वाउचर रखा हुआ है। यूरोप में फ़िलहाल एक स्कीम चल रही है कि अगर आप ये कैमरा लेते हो तो इसके साथ आपको आपके नेक्स्ट लेंस पे 100 euros का डिस्काउंट मिल जाएगा। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र और फास्ट चार्जिंग के लिए इन्होंने एक USB-A to USB-C केबल भी दे रखी है। गाइज, इसके बाद है यहाँ पे 2 केबल्स जो कि चार्जिंग पर्पज़ के लिए हैं। इनके प्लग्स डिफरेंट हैं जिससे आपकी कंट्री में जैसे प्लग यूज़ होते हैं आप वही केबल यूज़ कर सकते हो। साथ ही देखने को मिलते हैं बहुत सारे पेपर्स जैसे कि यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड एट्सेट्रा। अच्छा गाइस, तो मेन कंटेंट यहाँ नीचे के सेक्शन में छुपा के रखा हुआ है। चलो इसे भी खोल के देखते हैं। नीचे सबसे पहले देखने को मिलता है ये स्ट्रैप जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का है और इसके ऊपर A74 की ब्रांडिंग की हुई है। यहीं पे हमारे पास 2 छोटे-छोटे से पाउचेस भी हैं जिनमें से एक में है एक चार्जिंग में यूज़ होने वाला अडेप्टर। आप इसके साथ वायर कनेक्ट करके अपने कैमरा को चार्ज कर सकते हो। इन्हीं में से यहाँ पे एक और पाउच भी है जिसमें शायद बैटरी है। चलिए इसको खोल के देखते हैं। हाँ गाइस, ये एक जेड सीरीज़ वाली बैटरी है जो कि मोस्ट ऑफ़ द सोनी कैमराज में यूज़ होती है। तो इस कैमरा के साथ भी हमें यही वाली बैटरी देखने को मिलती है। इसी के साथ हमें दोस्तों देखने को मिल जाता है सोनी का किट लेंस जो कि है 28-70 mm। इसकी फोकल लेंथ है 3.5-5.6। आप इसको बिना किट लेंस के भी बॉडी ऑनली परचेज कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए परचेज कर लिया क्योंकि मार्केट में इसकी कीमत थी 450 euros और एज अ किट लेंस ये मुझे 150 euros के अराउंड पड़ रहा था और कभी ना कभी तो ये यूज़ हो ही जाता है, इसलिए मैंने इसे परचेज़ कर लिया। गाइस, मुझे नहीं लगता कि अब बताने की ज़रूरत है कि लास्ट वाले कवर में क्या है। एनी गैसेस? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसी में है हमारा सोनी अल्फा 7 Mark IV कैमरा। तो कुछ ऐसा दिखता है ये कैमरा। तो दोस्तों, ये है सोनी का वन ऑफ द बेस्ट 33 MP का फुल फ्रेम BSI CMOS सेंसर। इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। बैक साइड पे है ये डिस्प्ले जो कि एक टच स्क्रीन है और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनको पता होगा ये फीचर कितना यूज़फुल है। गाइस, बिना लेंस के ये कैमरा लिटरली बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे लगता है इसका वेट अराउंड 500 ग्राम्स होगा। ऊपर की साइड पे आपको देखने को मिल जाता है ऑन और ऑफ का बटन,
टॉगल और साइड में आपको सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे माइक्रोफोन, HDMI, USB-C, चार्जिंग पोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है कि आप इसमें एक साथ दो मेमोरी कार्ड्स इंसर्ट कर सकते हो। उनमें से एक तो है CF Express वाला सोनी का टफ कार्ड, जिसकी स्पीड बहुत फास्ट है। लेंस को कैमरा पे अटैच करना बहुत ही इजी है, ये बहुत जल्दी अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। गाइस, ये कैमरा में से हम उसका 100% तभी ले सकते हैं जब हमारे पास हर सिचुएशन में शूट करने के लिए एक सूटेबल लेंस हो। लेंसेज वीडियो की क्वालिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्हीं की मदद से आप अपनी फोटोज और वीडियोज में वो ब्लर इफेक्ट ला सकते हो। गाइस, एक अच्छे व्लॉगिंग सेटअप के लिए सिर्फ किट लेंसेज से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इनकी फोकल लेंथ ज़्यादातर स्टार्ट ही 28mm से होती है और साथ ही इनकी अपर्चर वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप अपने आप को भी शूट करना चाहते हो तो रिकमेंडेड ये है कि आपके लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 20mm होनी चाहिए और अपर्चर वैल्यू भी जितनी कम हो उतना ही बेटर है, उससे आपको पीछे वो ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने अपने लिए एक और लेंस भी परचेस कर लिया है, जो कि है ये सोनी का 16-35mm f/2.8 वाला जी मास्टर लेंस। गाइस, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, साथ ही मैं आपको एक इससे फुटेज भी शूट करके दिखाऊंगा, तो आप इसकी क्वालिटी को भी जज कर सकते हो। तो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है बाहर से इस लेंस का बॉक्स। ऊपर है सोनी की ब्रांडिंग और नीचे है इस लेंस की डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसे अब ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इस पैकिंग को आप इको फ्रेंडली तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ये अभी तक भी प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर एक बैग है, जिसके अंदर है हमारा लेंस, और साथ ही फिर से इसमें आपको दोबारा सारी यूज़र मैनुअल्स और सारी इंफॉर्मेशंस की बुकलेट देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब इस बैग में से लेंस को निकाल के भी देख लेते हैं। ये बैग काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा लेंस। नीचे यहाँ पे दोबारा से इसकी एपर्चर और इसकी फोकल लेंथ मेंशन की हुई है। ऊपर है सोनी की ब्रांडिंग और ये किट लेंस के कंपैरेटिवली काफ़ी भारी है। तो चलिए अब इस लेंस को कैमरे पे लगा के भी एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, हमारा कैमरा और लेंस अब एकदम रेडी है एक्शन के लिए। इससे जो मैंने वीडियो शूट की है और जो पिक्चर्स क्लिक की है उनकी क्वालिटी भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। गाइस, व्लॉगिंग के टाइम पे कैमरा को अच्छी ग्रिप से होल्ड करने के लिए और एक स्टेबल फुटेज शूट करने के लिए मैंने जोबी का ये गोरिल्ला पॉड भी ले लिया है। गाइस, कैमरा की सेफ्टी पर्पस के लिए भी एक अच्छा ट्राइपॉड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके बॉक्स को भी ओपन करके देख लेते हैं। तो गाइस, मेरे सामने है ये गोरिल्ला पॉड का बॉक्स। इसके साइड में इसके सारे फंक्शन शो करे हुए हैं कि आप इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। आप इसको हाथ में ग्रिप की तरह भी पकड़ सकते हो या किसी चीज़ के ऊपर रैप भी कर सकते हो, या फिर इसे आप खड़ा करके इसके ऊपर अपना कैमरा माउंट करके इससे फुटेज भी शूट कर सकते हो। चलिए अब इसे बॉक्स में से बाहर निकाल के ये भी देख लेते हैं कि ये हाथ में कैसा फील होता है।
बाकी सारे इक्विपमेंट्स की तरह इसके साथ भी एक यूज़र मैनुअल प्रोवाइड की हुई है, जिसमें बताया गया है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स को आप असेंबल कैसे कर सकते हो और डिफरेंट वेज में यूज़ कैसे कर सकते हो। तो गाइज़, अब बिना ज़्यादा वक्त गवाए निकाल लेते हैं इसे बॉक्स से बाहर। हाथ में इसकी ग्रिप काफ़ी कम्फर्टेबल फील हो रही है। इसके जो एल्युमिनियम ये सॉकेट्स हैं ना, ये काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। साथ ही पीछे ये जो स्क्रू है, आप इसको लूज़ करके इसे डिफरेंट एंगल्स में एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी आपकी शूटिंग रिक्वायरमेंट्स हों। ये गोरिल्ला पॉड काफ़ी फ्लेक्सिबल है और ये बहुत ही सारी डिफरेंट वेज में यूज़ किया जा सकता है, जिससे ये स्लोली मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। गाइज, मैं अपने व्लॉग्स में कैमरा का इंटरनल माइक यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैंने ले रखे हैं रोड के ये वायरलेस गो 2 माइक्रोफोन्स। ये एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट वायरलेस माइक सिस्टम है जो कि मैं अपनी सारी वीडियोस में यूज़ करता आ रहा हूँ और मैं इनसे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आप अगर चाहो तो इनकी जगह पर लवालियर या फिर शॉटगन माइक्रोफोन्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो माइक्रोफोन है ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही इजीली आपके कैमरा के ऊपर वाले हॉट शू माउंट के ऊपर ये अटैच हो जाता है और बिना किसी प्रॉब्लम के आप बहुत इजीली अपनी वॉइस क्रिस्पी वे में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइज, आपको ये व्लॉगिंग सेटअप कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना, आपकी सब्सक्रिप्शंस और लाइक्स ही हमारी मोटिवेशन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।